बॉर्डर बटालियंस बच्चों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद देखने को मिला है, तीसरी बार हो चुका है उन बच्चों के ऊपर जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, बच्चों के कपड़े फट रहे हैं, लेकिन भाजपा चुनाव यहाँ पे ये है ना कि एलजी सरकार सुन क्यों नहीं रही है बच्चों की, क्यों इतना तशद्दुद जो है वो नौजवानों के साथ किया? एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी भी इसमें एक पार्ट है, अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं गलत डिसीजन ले रही है या एलजी साहब को प्रॉपर इनपुट नहीं दे रही, इसीलिए हम आपके माध्यम से एलजी साहब को मीडिया के थ्रू रिस्पेक्ट करते रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डिसीजन को रिव्यू। ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है? ब्यूरोक्रेसी हावी तो नहीं हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कुछ डिसीजन गलत ले रही है। लोग कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, नहीं सुन रही है, एसडीएम हो, चपड़ासी हो, कोई भी हो, नहीं सुन रहा है। स्टेटहुड मिलेगी लेकिन जब हालात ठीक होंगे। एक तरफ से बयान आते हैं ना कि हालात ठीक है, फिर दूसरी तरफ से अभी हालात ठीक नहीं है, ये दोरी पॉलिसी है। सर यहाँ पे बातचीत करने के लिए एडवोकेट अभिनव शर्मा जी है, जो की बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और पेशे से एडवोकेट भी है, कानूनी बात करते हैं। सर बॉर्डर बटालियंस बच्चों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद देखने को मिला है, तीसरी बार हो चुका है उन बच्चों के ऊपर जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, बच्चों के कपड़े फट रहे हैं, लेकिन भाजपा चुप है, ऐसे बच्चों का कहना है, आप क्या कहोगे? पहले तो मैं आपको ये कहूँ, भाजपा बिल्कुल चुप नहीं है, एक भाजपा ही है जो उनकी बात कर रही है, ठीक, बाकी जो है वो सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं। देखिए ये बॉर्डर बटालियन के बच्चे मेरे पास एक महीने से आ रहे हैं, मैंने इनकी सारा इशू एग्जामिन किया है और हम उनके साथ खड़े हैं। हम एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इस डिसीज़न को रिव्यू करके विड्रॉ किया जाए और बॉर्डर बटालियन की जो एडवर्टीजमेंट पहले निकल चुकी है, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उनका फिजिकल टेस्ट हुआ है, उसी एडवर्टीजमेंट के जरिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो और सिलेक्ट लिस्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश हो, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, जो भी हो, इसको री एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर डोमिसाइल का कंसेप्ट आया है वो एडवर्टीजमेंट के बाद आया है, वो नेक्स्ट जो फ्यूचर वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी उन पे लगाया जाए, इन पे मत लगाया जाए। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये है ना कि एलजी सरकार सुन क्यों नहीं रही है बच्चों की, क्यों इतना तशद्दुद जो है वो नौजवानों के साथ किया जा रहा है? देखिए एलजी सरकार सिर्फ एलजी पे आप बात नहीं कर सकते, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी भी इसमें एक पार्ट है, अगर ब्यूरोक्रेसी कहीं गलत डिसीजन ले रही है या एलजी साहब को प्रॉपर इनपुट नहीं दे रही, इसीलिए हम आपके माध्यम से एलजी साहब को मीडिया के थ्रू रिस्पेक्ट करते रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डिसीजन को रिव्यू किया जाए, ना ही इस डिसीजन को बल्कि जीएडी का जो ऑर्डर निकला है जिसके थ्रू 31 अक्टूबर 2019 के पहले की वैकेंसी जो है सारी विड्रॉ की गई हैं, उस डिसीजन को भी रिव्यू करके रीलुक करके विड्रॉ करके जो वैकेंसीज एडवर्टाइज हो चुकी हैं उन एडवर्टीजमेंट के मुताबिक उनकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है? ब्यूरोक्रेसी हावी तो नहीं हुई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कुछ डिसीजन गलत ले रही है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, नहीं सुन रही है, एसडीएम हो, चपड़ासी हो, कोई भी हो, नहीं सुन रहा है कोई। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ब्यूरोक्रेसी की हमेशा यही अप्रोच रहती है, वो उसका फायदा लेते हैं और उस फायदे लेने के चक्कर में वो गलत डिसीजन भी लेते हैं। बाकी एक बात मैं आपको कह दूं, मैं भी अपने यूथ में एजिटेटर रहा हूं, बड़ी एजिटेशन हमने भी लड़ी है, अमरनाथ लैंड रो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, MBBS एजिटेशन, AIIMS एजिटेशन, तो जब हम एजिटेट करते हैं तो पुलिस कई बार लाठीचार्ज करती है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। अभिनव जी एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व पे उसने जो है राजनीति की है, लेकिन अब जो है अपने मुद्दे से भड़क रही है। भाजपा ने हमेशा राजनीति जो है वो सिर्फ वोट बैंक की नहीं की, भाजपा ने पूरे हिंदुस्तानियों के हित की राजनीति की है और करती रहेगी, ठीक, और हिंदुस्तानियों के हित की राजनीति करने में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन इसके विपरीत बाकी पार्टियों ने हिंदुओं को इग्नोर किया और एक अलग तरह की राजनीति की। आप देखिए यूपी में मुस्लिम लोग क्या बयान दे रहे हैं कि योगी के आने के बाद गुंडाराज खत्म हुआ, हम योगी को वोट देंगे, तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, हाँ धर्म का सम्मान जरूर करती है, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। कल एक बयान सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने यह बयान दिया है कि 70 साल जो कांग्रेस के थे वो ठीक थे, लेकिन भाजपा के जो 7 साल आए हैं कोई भी यहाँ पे जो है हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, अब जो है इसको यूनियन टेरिटरी से इलेक्शन से पहले जो है स्टेटहुड बनाना जरूरी है, आप कितना सहमत हैं कि स्टेटहुड इस टाइम पे मिलना जो है वो जरूरी हो चुका है? देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति को बयान देने का हक है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना मन जो मन में हो दिल में हो सुनाने का हक है। बाकी जहाँ तक आपने स्टेटहुड की बात की, मैंने क्या कहना है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगी लेकिन जब हालात ठीक होंगे। एक तरफ से बयान आते हैं ना कि हालात ठीक हैं, फिर दूसरी तरफ से अभी हालात ठीक नहीं है, ये
दोरी पॉलिसी है। हालात बेहतर हो रहे हैं, जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत में मौजूद है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और इनसे मुख्तलिफ जो है बातें की। आप कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।